प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शादी के 6 माह बाद पति और पति का दोस्त महिला से करते रहे सामूहिक दुष्कर्म। विरोध करने पर पति करता था मारपीट। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का। एडीजी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। एसपी सिटी ने कहा आरोपी पति व उसके दोस्त की जा रही है तलाश, जल्द होगी गिरफ्तारी। आगामी बकरीद के त्योहार के मद्देनजर नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। नगर आयुक्त ने कहा नगर निगम के चिन्हित 45 जगहों पर ही होगी कुर्बानी। किसी भी हालत में खुले जगह पर जानवरों की नहीं होने दी जाएगी कुर्बानी। मस्जिद और ईदगाह पर साफ सफाई के लिए संबंधित को कर दिया गया है निर्देशित। जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मेले की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने कहा कि जनपद के सभी मंदिरों की करवाई जा रही है साफ सफाई। सुरक्षा के दृष्टिगत मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की लगेगी ड्यूटी। सभी तैयारियां हैं पूरी। शांति सद्भावना समिति के सदस्यों की बैठक एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में सकुशल हुआ संपन्न। कहा किसी तरह की असुविधा होने पर तत्काल ने पुलिस को सूचना, तुरंत की जाएगी मदद। पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर लगाया जाएगा हाईटेक कैमरा। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा 33 में 11 स्टेशनों पर कैमरा लगाने की कार्यवाही की जा चुकी है पूरी। बाकी स्टेशनों पर जल्द लगेगा कैमरा, अपराधियों पर लगेगा लगाम। कैमरा पहचानेगा अपराधियों का चेहरा। आईजीआरएस पर आई शिकायतों के निस्तारण पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि सभी शिकायतों की जा रही है मॉनिटरिंग। निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं दिशा निर्देश। श्रावण मेले पर 12 जुलाई से 12 अगस्त तक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से देवघर तक चलाएगा स्पेशल ट्रेन। 13 जुलाई से 13 अगस्त तक देवघर से गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। पुलिस ऑफिस के सभी कार्यालयों का एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। कहा जन सुनवाई का निस्तारण ही है उनकी पहली प्राथमिकता। फरियादियों के प्रार्थना पत्र का किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन। फरियाद सुनने के बाद फरियादी को दिया जा रहा है रसीद। लिया जाएगा फोन करके फीडबैक। बकरीद के पर्व पर बकरों की कुर्बानी के लिए सजे बकरों के बाजार। आसमान छू रही है बकरे की कीमत, फिर भी बकरा खरीदने उमड़े ग्राहक। तेईस मई को विकास खंड बेलघाट में तैनात सफाई कर्मी अमरनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने मृतक की पत्नी शकुंतला देवी को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा नौकरी से मृतक की पत्नी को जीवन जीने में होगी आसानी। और रविवार 10 जुलाई को मनाया जाएगा बकरीद का त्योहार। शहर काजी के सुपुत्र एवं समाज सेवी मोहम्मद कलीम फारूकी ने कहा मुस्लिम समाज अपने अपने घरों में देंगे बकरों की कुर्बानियां।